नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता के 73वीं वर्षगांठ पर स्कूल फॉर डेमोक्रेसी और न्यूज क्लिक द्वारा आयोजित पैगाम में आजादी व्याख्यान श्रृंखला के 5वें व्याख्यान में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के हमारे खास वक्ता श्री अनिल नौरिया हैं, जो हमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अनुरा असफअली के बारे में बताएंगे। यह व्याख्यान श्रृंखला जिसे प्रस्तुत और रिकॉर्ड किया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के राजनीतिक स्थिति में जहां झूठी खबरें और जानबूझकर ऐतिहासिक तथ्य को बदलकर पेश करने का प्रथा चल रहा है, उसको मन में रखते हुए भी इसको किया जा रहा है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए और हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है, लड़ी, उनके बारे में गलत छवि पेश करने की कोशिश जोरदार तरीके से चल रही है। हमारे लिए अनिवार्य होता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सही तरीके से याद किए जाएं और कि ये लोग सही तरीके से याद किए जाएं और हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे और हमारे इतिहास की किताबों से ये खो नहीं जाए। हमने देखा है कैसे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया है और ऐसे पायनियर्स जैसे राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने एक वैज्ञानिक सोच से चलने वाले आधुनिक भारत के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उनको ब्रिटिश राज के चर और भारत के लोगों के खिलाफ इस रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जिनसे हमें सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है और जागरूक रहते हुए लड़ते चलना है यदि हमें ऐसी दूरदर्शी शख्सियतों को के सपनों को जीवित रखना है जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आजादी के बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया है, हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, विशेष रूप से असमानता और दरिद्रता के हर अमानवीय फैसेट्स को देखते हुए। इन वार्ताओं के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तियों से के जीवन और कार्यों से सीखने की आशा करते हैं ताकि हम प्रेरित होते रहें और एक न्यायसंगत और मुक्त भारत की दिशा में चलने की संकल्प को और मजबूत बनाए रखें, चाहे जो भी बाधाएं हमारे रास्तों में आते रहे। अरुणा असफअली पर व्याख्यान की परिचय देने के अवसर के लिए बहुत आभारी हूँ, जिनको मैं बहुत मानती हूँ और जिन्हें करीब से देखने का सौभाग्य मेरे को मिला। एक तेज तर्रार महिला जो 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एकदम से प्रसिद्ध हो गई, एक युवा आइकॉन थी, वो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थी, पॉलिटिशियन थी, लेखक थी और बहुत कुछ थी, जिनके बारे में अनिल जी बात करेंगे। मैं बस दो संस्थाओं की बात करना चाहती हूँ जो उनकी दूरदर्शिता और अपने लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाता है। एक है भारतीय महिला फेडरेशन, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, उन्होंने 1954 में संस्थापन करी रेणु चक्रवर्ती, एनिमास करेनी, हाजरा बेगम, अनुसुईया ज्ञानचंद और अन्य ऐसे दिग्गजों के साथ, और इस संस्था की वो 19 साल अध्यक्ष रही। दूसरा है डॉक्टर एवी बालिका फाउंडेशन, जिसका स्थापना उन्होंने 1968 में किया रंजना रे के साथ, जो दिल्ली के हाशियों पर रहने वालों के साथ काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पेट्रियट और लिंक पत्रिका द्वारा स्थापित किया गया था और ये भी एक ऐसा पत्रिका है जो अरुणा जी ने जाने माने संपादक एडिता नारायणन के साथ स्थापना करी थी। हमारे आज के विशेष वक्ता श्री अनिल नौरिया का परिचय देते हुए बहुत खुशी हो रही है। श्री नौरिया अर्थशास्त्र के छात्र थे और पिछले 36 वर्षों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली के उच्च न्यायालय में वकील रहे हैं और सार्वजनिक रोजगार, श्रम कानून, निरोधात्मक कानून, आपराधिक कानून अपील, फिर राज्यपाल के शक्तियों के संबंधित संवैधानिक मुद्दे और भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची, चुनाव कानून, भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार, ऐसे मुद्दों पर काम किया है उन्होंने। अनिल जी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में सीनियर फेलो रहे हैं, 1970s के दशक से लिख रहे हैं
और उनका ज्यादातर ध्यान धर्म धर्म निरपेक्षता और राज्य और समकालीन इतिहास पर, भारत और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन के पहलुओं पर केंद्रित रहा है। उन्होंने विभिन्न पुस्तकों में योगदान दिया है और पत्रिकाओं में, जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली मुंबई से, मेन स्ट्रीम मंथली रिव्यू न्यूयॉर्क, और डकार और पेटर्समरिस्बर्ग में पत्रिकाएं में उन्होंने लिखा है। वो दिल्ली के विश्वविद्यालय में भी अतिथि व्याख्याता रहे हैं, और अन्य अनेक विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया है, जैसे भारतीय विधि संस्थान दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में, फिर स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी टोक्यो, योहानसबर्ग में, डर्बन में, और यहाँ पे नालसर नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, और JNU में भी वो पढ़ा चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जिसका उल्लेख किया जाना जरूरी है और जिसकी स्थापना और कार्य में अनिल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो निर्मल मुखर्जी, अजय मुखर्जी, अब्दुल सत्तार साहब और सईद हमीद जैसे लोगों के साथ 1993 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद स्थापित किया था। और ये उस समय जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाया जा रहा था उसके खिलाफ एक प्रयत्न था। तो दिल्ली में ओखला और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों, जामिया नगर, गफर मंजिल, जाकिर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और अन्य इलाकों के लोगों को एक साथ लाकर एक सामूहिक आवाज उठाने की कोशिश, और उसमें घृणा और सांप्रदायिकता के प्रसार के खिलाफ में काम जारी था। उन सब ने जो काम किया वह इंसानियत के सिद्धांतों पर आधारित था। कई सांप्रदायिक संकटों का सामना किया उन्होंने, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की एकता और सभी धर्मों की एकता और सद्भाव का एक प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त किया है इन्होंने बहुत जगह में। तो अब आगे अनिल जी, आप आपके पास समय। आज मैं अरुणा आसफ अली के बारे में बोलूंगा, जो हमारी आजादी की आंदोलन में जो महिलाएं शरीक हुई उसमें 1947 में खास तौर से उभर के आए, जबकि आजादी के आंदोलन में तो वो पहले से शरीक थीं, लेकिन उनका नाम प्रथम श्रेणी में 1942 के आंदोलन से आता है। अब मैं जो बातें मुझे कहनी है उनको मैं इस तरीके से रखूंगा कि पहले मैं उनकी जो शुरुआती जिंदगी है उसके बारे में कुछ बोलूंगा, फिर उनकी शादी के जो बैरिस्टर आसफ अली साहब के साथ हुई उसके बारे में बताऊंगा, और फिर उनपे जिन लोगों का खास तौर से उस दौर में असर पड़ा, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और श्रीमती सत्यावती, उनके बारे में बोलूंगा, और फिर जो आजादी के आंदोलन में उनकी शिरकत 1930 की दशक में हुई उसका कुछ बताऊंगा, और फिर 1940 की दशक जो कि सबसे महत्वपूर्ण था उनके लिए उस पर आऊंगा, और फिर उसके बाद गांधी जी का हिंदुस्तान की आजादी और गांधी जी की शहादत, और उसके बाद फिर जो आजादी के बाद हिंदुस्तान की जो शक्ल बनी उसमें उनका बनाने में और उसके सिलसिले से उनका क्या रोल रहा उसके बारे में बोलूंगा, और बाद में जाकर अंत में उनका जो इंतकाल हुआ 1996 में, वहाँ तक मैं उनकी जिंदगी के बारे में बताने के बाद फिर उनकी जो मुख्य जो उनका जो नजरिया था अपनी जिंदगी में
जो मुख्य बातें थी जिनको लेकर उन्होंने संघर्ष किए उसका उसको फिर से एक बार दोहराऊं। तो इस तरीके से मैं आपके सामने आज बोलूंगा। शुरू में मैंने जैसे कहा उनकी जो शुरुआती जिंदगी थी उसके बारे में दो चंद लफ्ज बोलूंगा। वो ये कि 1909 में उनका जन्म हुआ कालका नाम का जो नाम की जो जगह है पंजाब में थी और हरियाणा में आती है वहाँ उनका जन्म हुआ एक बंगाली परिवार में। क्योंकि उनकी उनके पिताजी उपेंद्रनाथ गांगुली जी वहाँ बसे हुए थे और लाहौर में वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते थे। तो शुरू में अरुणा गांगुली जो उनका नाम था तब उनकी शिक्षा लाहौर में हुई और फिर जाकर नैनीताल में उनके पिताजी ने एक वहाँ होटल शुरू किया था तो वहाँ जाके वो रही और वहीं ऑल सेंट्स कॉलेज में वो पढ़ी। उसके उसके बाद वो कलकत्ते में जाके गोखले मेमोरियल स्कूल फॉर गर्ल्स में उन्होंने पढ़ाया। तब उनकी 18-19 साल की उम्र थी और उनकी दिलचस्पी लिटरेचर में अदब में बहुत थी। तो उनकी आंट ने सजेस्ट किया एक सुझाव दिया कि एक साहब हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। आप जब इस तरफ आए छुट्टियों में तो इलाहाबाद में वो रहती थी इलाहाबाद में आके मेरे पास रुकें। तो अरुणा आसफ अली 1928 में इलाहाबाद गई कलकत्ते से अपनी छुट्टियों में और वहाँ उनकी मुलाकात आसफ अली साहब से हुई जो कि एक बैरिस्टर थे इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और आज़ादी के आंदोलन में वो पहले से उनको शोहरत मिली हुई थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुई थी हिंदुस्तान में 1920 से 22 तक उसमें उनकी शिरकत भी रही थी और उनको जेल भी हुई थी। तो उनके साथ फिर अरुणा जी का मिलना जुलना हुआ और फिर इस उनको लगा कि हम शायद एक साथ जीवन बसर कर सकते हैं और आसफ अली जी ने ये सुझाव जब दिया तो उनको भी अच्छा लगा और ये बात शुरू हुई। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अरुणा जी आसफ अली साहब से 20 साल से ज्यादा छोटे थे और मजहब दोनों के अलग थे। उस जमाने में एक मजहब और दूसरे मजहब के बीच में शादियां बहुत कम होती और परिवार में भी लोगों ने इतराज किए लेकिन वो शादी हो गई सितंबर 1928 में। तब तक अरुणा जी की पिताजी का देहांत भी हो गया था और इस शादी के बाद दोनों आकर आसफ अली साहब का जो पुश्तैनी घर कूचा चेलान में दरियागंज दिल्ली में था वहां आके बस गए। अब मुसलमान खानदान एक नया माहौल और उसके जो रस्म और रिवाज होते हैं वो अलग थे और अरुणा जी को अगर उसमें कुछ अपने आप को ढालने में दिक्कत अगर होती तो वो इसलिए नहीं हो हुई कि आसफ अली साहब के जो सामाजिक
सर्कल था दिल्ली में, उसमें मिलना जुलना काफी रहता था और इसमें एक साहब थे ब्रिजलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के नेफ्यू थे और उनकी धर्मपत्नी थी रामेश्वरी नेहरू। तो इनके यहाँ एक दिन ये खाने पे गए दाम्पत्य आसफ अली साहब और अरुणा जी, और वहाँ उनकी मुलाकात जवाहरलाल जी से भी हुई, ये दिल्ली की बात है। रामेश्वरी जी बहुत सोशल एक्टिविटीज में सामाजिक कार्यक्रमों में रहती थी, शिरकत करती थी, और रामेश्वरी जी ने अपने साथ अरुणा जी को लगा लिया और दिल्ली की विमेंस कॉन्फ्रेंस जो थी, दिल्ली की विमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली में था, उसमें उनको जोड़। उसके साथ अरुणा जी का एक दायरा बढ़ा, एक सोच बढ़ी और सामाजिक मसलों में उनका ध्यान लगा। तो घर घर और घर के बाहर दोनों एक्टिविटीज में दोनों इतनी मशहूर हो गई कि वो जो जो नॉर्मल कॉन्स्टेंट या एक माहौल की एक कंजर्वेटिव माहौल की जो फैमिली परिवारों में एक रुकावटें होती हैं, वो उनको उस तरीके से झेलनी नहीं पड़ी। और वो अपने इस बीच में राजनीतिक आंदोलन भी गर्म हो रहा था हिंदुस्तान में, और 1930 ये सन 28 में तो साइमन कमीशन का के खिलाफ एजिटेशन चल ही रहा था हिंदुस्तान में, जो एक साइमन कमीशन अंग्रेजों ने भेजा था। तो उनकी शादी भी ऐसे ही वक्त हुई जब पूरा राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में गरमाया हुआ था। इस बीच में दिल्ली में एक और बहुत बड़ी नेता थी, सत्यावती जी। सत्यावती जी का बहुत प्रभाव था दिल्ली की महिलाओं में और उन्होंने अपनी तरफ अरुणा जी को भी आकर्षित कर लिया। तो इस वजह से राजनीतिक दायरे में भी अरुणा जी खींची चली गई। और जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की पुकार 1930 में दी, तो उसमें अरुणा जी शामिल हुई, उसमें उनको जेल हुई। और अगले साल जब गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, तो कुछ टेक्निकल कारण की वजह से उनको नहीं छोड़ा गया, पर फिर बाद में गांधी जी के प्रभाव की वजह से वो छूट के आए। फिर एक बार फिर 1932 में उनको जेल हुई। तो वो आजादी के आंदोलन में तो काफी सक्रिय हो चुकी थी 1930 की दशक में ही। इनकी जो शादी आसफ अली साहब के साथ हुई, इसके बारे में गांधी जी कहा करते थे, अरुणा जी ने लिखा है कि मैं इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रतीक मानता हूं। और यही यही इसी किस्म के प्रभाव थे जिसकी वजह से अरुणा जी पूरी जिंदगी फिर के वाराणा सोच के खिलाफ ही काम करती रही। इसके और भी मिसाल मैं आगे दूंगा, जिसको सांप्रदायिक सोच कहते हैं उसके खिलाफ को काम करती रही, क्योंकि उन्होंने ये इस किस्म की जो प्रेजुडिस होते हैं, संकुची सोच होती है, उसके उसको देखा था, झेला था। और वो पूरी उम्र फिर दोनों तरफ के फिरके वारानापन के, हिंदू और मुसलमान दोनों की जो ये नैरो सोच होती है किसी भी मजहब में, उसके खिलाफ वो संघर्ष करती रही। भगत सिंह का जो केस हुआ वो भी इसी दौरान हुआ।
जिस रोज भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में 1929 का वाकया है, उस रोज अरुणा जी सेंट्रल असेंबली की विजिटर्स गैलरी में मौजूद थी, तो उन्होंने उसको अपनी आंखों से देखा और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ले जाते हुए जब ले जाया गया वो भी उन्होंने देखा और उसके बारे में लिखा। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे जो केस चला वो कोर्ट रूम में भी वो मौजूद थे, क्योंकि आसफ अली साहब का उस केस से बतौर बैरिस्टर इन्वॉल्वमेंट था भगत सिंह की ओर से, आसफ अली साहब पेश हुए। इसके बारे में अरुणा जी ने बहुत कुछ लिखा भी है और मैंने दिखाया भी था उनका एक लेख जो बाद में जाके पेट्रियट अखबार में 3 अक्टूबर 1991 में छपा था। ये इसमें जो भगत सिंह को छुड़वाने की कोशिश की गई गांधी जी की तरफ से उस पे बड़े डिटेल में अरुणा जी ने लिखा है। तो अरुणा जी का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट 1931 तक 1932 तक बहुत सक्रिय और बहुत डीप गहरा हो चुका था। अब मैं आता हूं 1940 वाली दशक पर, जब ये नहीं, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ और उसमें सत्यावती जी जिनके साथ अरुणा जी जुड़ी हुई थी वो बहुत सक्रिय थी, वो उसकी फाउंडिंग मेंबर थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। तो जब मेरठ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एनुअल सेशन हुआ 1936 में, तो उसके बारे में भी अरुणा जी ने लिखा है और उसी से हमें पता चलता है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने प्रेजाइड किया था और सत्यावती जी रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन थी। तो जाहिर है कि अरुणा जी इन गतिविधियों में काफी एक्टिव सक्रिय रही। उसके बाद सन 40 की जो घटनाक्रम शुरू होता है हमारे आजादी के आंदोलन में, उसमें सन 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले हुआ था जिसमें कुछ चोजन लोग, सेलेक्ट किए हुए लोग वो को अरेस्ट कोर्ट करने के लिए कहा गया था, जो एक लिस्ट कांग्रेस संगठन और गांधी जी ने तैयार की थी कि फलाने फलाने लोग अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। तो उसमें अरुणा जी का नाम था और अरुणा जी की अरेस्ट 1941 के आंदोलन में, इंडिविजुअल सत्याग्रह के आंदोलन में हुई। उसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब एक बार फिर ये तो सबको लगने लगा था कि ये भारत का एक बहुत बड़ा आंदोलन अब शुरू होने वाला है और आसफ अली साहब जो अपने मेमोयर्स में उन्होंने लिखा है कि ये रेजोल्यूशन जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास हुआ बंबई में, ये 8 अगस्त को पास हुआ लेकिन 6 अगस्त को अरुणा ने मुझे बता दिया था कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अरुणा आसफ अली को ये खबर कहीं से मिल गई थी कि अंग्रेजी सरकार का प्लान है कि सब कांग्रेस के लीडरों को अरेस्ट कर दिया जाए। तो ये खबर उनको आसफ अली साहब को 6 अगस्त को मिल गई
यानी कि रेजोल्यूशन पास होने से 2 दिन पहले, और 8 अगस्त की रात को सन 42 में सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी अरेस्ट कर ली गई और भी बहुत सारे नेता अरेस्ट कर लिए गए। गांधी जी को तो अरेस्ट किया ही था। और तब का किस्सा है उस दिन, उसके अगले दिन का 9 अगस्त का, जब अरुणा जी ने फ्लैग होइस्टिंग, झंडा जो फहराना होता है सेशन पे, हाँ जो ग्वालियर टैंक का मैदान है, वो सेशन के आखिरी दिन झंडा फहराने की जो एक सेरेमनी करनी थी, उस सेरेमनी के वक्त तक ज्यादातर लीडर अरेस्ट हो चुके थे। तो अरुणा जी ने वो झंडा फहराया था, और जैसे ही वो टियर गैस और लाठी चार्ज और ये सब शुरू हो, वैसे ही गोलियां भी बरसाए गए। तब अरुणा जी और समाजवादी लीडरों के साथ, इसमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, अब्दुल मैन, एसएम जोशी वगैरह भी शामिल थे, अंडरग्राउंड हो गए। इस दफे अरुणा जी ने फैसला कर लिया था कि जेल नहीं जाएंगे और अंडरग्राउंड कुछ लोगों को रहना चाहिए ताकि स्ट्रगल को डायरेक्ट किया जा सके। और लोग तो कुछ बाद में पकड़े भी गए, जैसे जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया, पर अरुणा जी बहुत बाद तक, यानी कि सन 46 की जनवरी तक अंडरग्राउंड ही रहे, जब तक उनके खिलाफ वारंट कैंसिल नहीं कर दिया। वो जो अंडरग्राउंड रहने का जो उनका तजुर्बा था, पूरे हिंदुस्तान में वो घूमी, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है और जो आसफ अली साहब ने उसके बारे में भी लिखा है, उससे हमें बहुत जानकारियां मिलती हैं अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने आज़ादी के संघर्ष के बारे में। अब वो लिखती हैं कि वो कहाँ कहाँ उनको रहना पड़ा, कहाँ कहाँ वो रहीं, कभी कलकत्ते में थी, कभी बम्बई में थी, कभी दिल्ली में थी। दिल्ली में डॉक्टर एनसी जोशी एक क्लिनिक चलाते थे करोल बाग में, कभी वहाँ रही। एक बहुत बड़े दिल्ली कांग्रेस के नेता थे पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति, वो एडिटर थे एक अखबार के, उनकी यहाँ भी आचार्य अरुणा जी कुछ दिन वहाँ रही अंडरग्राउंड। और जब बॉम्बे में थी और गांधी जी सन 44 में छूट गए, तब अरुणा जी उनसे मिलने गई थी, अरुणा जी और अच्युत पटवर्धन जी, और उनको ड्राइव किया था एक लेडी थी श्रीमती फातिमा इज़्मेह, जो कि उमर सुभानी साहब एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे मुंबई के, उनकी बहन थी। उन्होंने अरुणा जी को ड्राइव करके वो ले गई थी गांधी जी के पास। तो वो सब जानकारी हमें मिलती है इन राइटिंग से कि अंडरग्राउंड मूवमेंट कैसे चल रही थी, कैसे कैसे ये लोग छिप छिप के काम किया करते थे। और गांधी जी ने इनको एडवाइस किया था कि आप सीक्रेट एक्टिविटीज मत करें, ना करें, और ओपन में आ जाए। और अरुणा जी को लगा कि ये वक्त नहीं है, क्योंकि अगर वो ओपन में आ जाती हैं तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो गांधी जी ने उनको यही सलाह दी थी कि तुम तब ओपन में आओ ज
जब तुम्हें खुद लगे कि ये सही है। आसफ अली साहब जेल में थे तो वो अपने प्रिजन डायरी में लिखते हैं कि कैसे अरुणा जी की चिट्ठियां वहां आती थी। एक चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो कि कुलसुम जमानी के नाम से आए। अब कुलसुम जमानी अरुणा जी की जब शादी हुई थी 1928 में, तो पहले तो मुस्लिम फॉर्मेट में, मुस्लिम दायरे में हुई थी, तो उस शादी के लिए, निकाह के लिए उन्होंने नाम कुलसुम जमानी उनको दिया गया था। उसके बाद उनकी एक सिविल रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ था मैरिज का। तो चिट्ठी, अब ये तो बहुत कम लोगों को मालूम रहा होगा कि ये नाम था कुलसुम जमानी। तो कई चिट्ठियां जो आसफ अली साहब के पास जेल में पहुंचती थी वो कुलसुम जमानी के नाम से पहुंचती थी, और उसमें वो लिखती थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताती थी। एक चिट्ठी में बताती हैं कि उन्होंने बाल कैसे अपने काट लिए थे और यूरोपियन स्टाइल में कर लिए थे, तो जाहिर है कि वो पहचान ही नहीं जा रहे थे। एक दफे वो गांधी जी से मिलने जब गई तो गांधी जी तो बड़े पक्के थे इस बारे में कि खादी पहनना चाहिए, लेकिन क्योंकि अंडरग्राउंड थी और अपनी आइडेंटिटी को एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहे थे, तो नायलॉन साड़ी में बड़ा मेकअप करके वो गांधी जी के पास मिलने गई थी। तो ये सब किस्से बड़े दिलचस्प हैं उस जमाने के, जैसे जैसे ये लोग अपनी एक्टिविटीज चलाते रहते थे। उषा मेहता जी थी बम्बई में, जो एक कांग्रेस भी चलाती थी, जो बाद में पकड़ा गया। तो ये सब चलते रहा, और यही नहीं, इस दौरान इनके जो इनको जो सोचने का वक्त मिला कि हम किस किस्म का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं आजादी के बाद, ये वो दौर था जब इनके पूरे क्या क्या हमारे विचार हैं, किस आधार पर हिंदुस्तान बनेगा, उसमें बराबरी होगी, उसमें जो सामाजिक बुराइयां हैं वो हटाई जाएंगी, जो छोटी नैरो किस्म की सांप्रदायिक सोच है उसको उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, ये इस आधार पर इनका ये सब आइडियाज मैच्योर होते हैं 40s में कि हम किस किस्म का हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। इसके बाद वो 40s में ही वो जब छूट जाती हैं, जब उनके खिलाफ वारंट कैंसिल हो जाता है 1946 में, तब उसी के अगले महीने एक म्यूटनी रॉयल इंडियन नेवी में बम्बई में होती है, और फिर उस पे एक बहस चलती है कि इसको किस हद तक सपोर्ट करना चाहिए या नहीं सपोर्ट करना चाहिए। गांधी जी के साथ भी विवाद होता है, और इस किस्म की डिफरेंसेस सोच में और डिबेट्स आपस में चलते रहे, पर उसके बावजूद भी अरुणा जी ने माना कि अगर हम काम करते रहते हैं और अगर हम अपना, जैसे वो कहती हैं, गांधी जी एंड आई टॉक ब्रीफली इन पुणे, पुणे में हमारी बात हुई, इफ वी कैन प्रूव आवर वर्थ एज सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ फ्रीडम ही विल नॉट डिसओन अस। अगर हम अपनी काबिलियत आजादी के आंदोलन की सिपाही के तौर पे दिखा सकते हैं तो वो हमें डिसओन नहीं करें, लेकिन मियर वर्बिएज सोफिस्ट्री एंड शर्किंग वर्क विल डिस्क्रेडिट अस इन हिज एंड आवर पीपल्स एस्टिमेशन।
अगर हम खाली लफबाजी और लिफाफेबाजी करते रहे तो फिर हमारी कीमत उनकी आंखों में और हमारे लोगों की आंखों में गिर जाए। इस दौरान वो घूम, अब ये जो छुटके आती हैं तो अगले 2-3 साल वो पूरा हिंदुस्तान घूमती है, कभी पंजाब जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी बंगाल और असम जाते हैं, और वो तजुर्बे उन्होंने लिखे हैं। इस दौरान वो उनको रूरल और अर्बन डिवाइड, हिंदुस्तान में जो रूरल और अर्बन डिवाइड है वो भी नजर आने लगता है, और वो कहती हैं एक जगह कि रूरल दिल्ली वाज निग्लेक्टेड बाय अर्बन दिल्ली। ये कहते रही हैं दिल्ली के बारे में, लेकिन ये बात पूरे देश में भी लागू है। जब वो आसाम जाती हैं तो रास्ते में उनको मुस्लिम लीग के कुछ लोग घेर लेते हैं रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पे, और उनसे जोर जबरदस्ती करते हैं, तो उनकी बात में भी वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो फिरके वाराना सोच, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन दोनों के वो खिलाफ थी, और उस संघर्ष में वो अग्रसर थी। तो इसके बारे में भी वो लिखती हैं कि जब आसाम गई तो आई रिलेटेड माई एनकाउंटर विद मुस्लिम लीगर्स हु केम टू स्टोन एंड बिलेबर मी व्हाइल आई वाज ऑन माय वे टू आसाम। तो उनसे भी वो नहीं दबी, और जो हिंदू फिरके वाला लोग थे उनसे भी वो नहीं दबी। जब अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन आया तो उसके साथ जो नेगोशिएशंस शुरू हुए उसकी, उस पे भी उन्होंने बड़ी पैनी नजर रखी, और उसमें भी जो उन्होंने लिखा है उसमें कई ऐसे सवाल उस नेगोशिएशंस के बारे में वो करती हैं जो बाद के हमारे एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वगैरह जो इस मसले पर लिख चुके हैं, लिखे हाल में पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने भी ये कई बातें ऐसी नज़रअंदाज की हैं जो कि अरुणा जी उसी दौर में 46-47 के दौर में जिसपे वो कमेंट कर चुकी थी। अनिल जी, यू आर मूविंग अ लॉट टू द लेफ्ट, सॉरी, ओ हाँ, या इट्स ओके, या नाउ इट्स फाइन। आई मीन इट्स जस्ट लाइक दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, कभी कभी आप लेफ्ट पे ज्यादा लीन कर रहे हो, तो ये हाँ ओके, फाइन, इट्स फाइन, या सो एक और चीज पे वो इशारा करती हैं कि जहां जहां वो जाती थी उनका नाम तो मशहूर हो गया था कि 1942 की हीरोइन के तौर पे वो मानी जाती थी, और जहां जहां जाती थी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो चाहे पब्लिक मीटिंग हो। एक जगह सिंध में वो गई तो एक टीनेजर लड़का बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली से रिबेल करके, एक यंग मुस्लिम बॉय, वो किसी पेड़ पे चढ़ा उनको देखने के लिए, और वो टहनी टूट गई और बेचारा मर गया। तो उसके बारे में भी वो लिखती हैं। पंजाब में जब वो गए तो उन्होंने एक कमेंट ये किया कि देखिए पंजाब ने तो भगत सिंह हमें दिया, लेकिन पंजाब से जो उम्मीद वो रखती थी शिरकत की आज़ादी के लड़ाई में 1940s के आंदोलन, उनको लगा कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा जितना होना चाहिए, और इसलिए वो कहती हैं कि जब मुझे अंडरग्राउंड में जब मुझे अलॉट किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी गई पंजाब के लिए, NWFP के लिए और सिंध के लिए, तो मैं इतना सक्रिय पंजाब में नहीं हो पाई इसी वजह से
मुझे यहाँ इतनी सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि पंजाब से तो आर्मी में भर्तियां ज्यादा हो रही थी, जो हमारी आर्मी थी जो अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी उसकी भर्तियां ज्यादातर उस जमाने में पंजाब में हो रही थी। तो पंजाब को वो ये कहती हैं कि पंजाब ने इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हिंदुस्तान को दिए, लेकिन इस दौर में जो हम पंजाब से उम्मीद करते थे वो पंजाब हमें नहीं दे पाया। तो एक किस्म से वो डिसअपॉइंटमेंट इस बात का नहीं है कि पंजाब ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया आज़ादी के लिए, कंट्रीब्यूशन 40s में भी बहुत था, लेकिन वो कहती हैं कि जो जितना हमें उम्मीद थी पंजाब से वो उस पे वो पूरी नहीं हो पाई। फिर आज़ादी आती है, पार्टीशन होता है, गांधी जी का असैसिनेशन होता है। इसी दौरान आज़ादी के एकदम बाद आसफ अली साहब तो सितंबर में मिनिस्टर बन जाते हैं इंटीरियर गवर्नमेंट में, जो जवाहरलाल जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो शामिल हो जाते हैं सितंबर में, और कुछ ही महीने बाद वो हमारे हिंदुस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन ये नियुक्ति जो उनकी बतौर एम्बेसडर होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये आज हमारा जो 1947 वाली जो जो अगस्त 47 से बहुत पहले है, तो जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में एज एम्बेसडर जाते हैं तो अनडिवाइडेड इंडिया के एम्बेसडर होते हैं। अरुणा जी उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं जब तक हिंदुस्तान की पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक मैं नहीं जाती। फिर बाद में वो भी जाती हैं, और जब वो वहाँ से लौट के जब आ रही थी तो आसफ अली साहब वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क उनको सी ऑफ करने उनके साथ गए, और न्यूयॉर्क में थे वो जिस रोज़ खबर मिलती है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के गांधी जी की शहादत हो गई है, तो उसका दोनों पे असर बहुत हुआ। और वो लिखती हैं कि कैसे आसफ अली साहब फूट फूट कर रोए। 48 में भी उनका मन US में नहीं लगता है, उनका मन इंडिया में ही है, क्योंकि यहाँ वो जो राजनीति के गतिविधियाँ चली हुई हैं उसमें वो बहुत शरीक है। सोशलिस्ट पार्टी गांधी जी के शहादत के बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग होती है, और अरुणा जी भी उसके साथ रहती हैं सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी में भी वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए, और 2 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके मन में क्या चल रहा था ये जानने के लिए आप एक समझ सकते हैं कि उन्होंने एक ग्रुप सेटअप किया, लेफ्ट सोशलिस्ट ग्रुप, और एक बुकलेट लिखी इस बारे में कि मार्क्सिज्म को लेकर। उस बुकलेट का आचार्य नरेंद्र देव, जो हमारे हिंदुस्तान के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडिंग फिगर थे, उन्होंने इस बुकलेट के बारे में लिखा है, और ये बुकलेट बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी, क्योंकि इस पे जो समरी आचार्य जी लिखते हैं, आचार्य जी तो जो अरुणा जी ने लिखा उससे उनकी व्यू कुछ अलग है, लेकिन फिर भी आचार्य जी जो समरी उस बुकलेट की देते हैं उससे पता चलता है कि इस बुकलेट में अरुणा जी ने कितने महत्व के सवाल उठाए थे। अब इसमें एक चीज वो कहती हैं कि जो हमारी
प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, इसने वर्करों की शिरकत, मजदूरों की शिरकत इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो अब इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे वो फोकस करना चाहते हैं। इस चीज पे आचार्य जी ने टिप्पणी की है कि जितनी भी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुई है या सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पूरे वर्ल्ड में हुई है, उनमें मजदूर की शिरकत डायरेक्टली इतनी ज्यादा नहीं हुई है, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के इंटेलेक्चुअल्स ने ही गाइड किया है, क्योंकि एजुकेशन उनके पास होती है जो अक्सर मजदूरों में उस स्टेज पे नहीं होता। तो ये बड़ी रियल प्रॉब्लम थी जिस पे अरुणा जी ने लिखा था, और ये सीरियसली इस बात को लेना चाहती थी, और इस बात का हल उन्होंने निकालने की कोशिश ये की जिस पे आचार्य जी भी लिखते हैं कि perhaps, मैं एक पैरा पढ़ूंगा अंग्रेजी में, perhaps this is the reason that Aruna Asafali does not like to join any Marxist party at present. Her group will strive to bring about unity among Marxist parties and will make the working class revolutionary and militant. If this does not happen, how can the working class establish its dominance in a socialist party? With this limited purpose in view, she has decided to set up study groups and joint action committees of trade unions in every fact. In this endeavor, she seeks the cooperation of all Marxist parties. अब इसको आप जरा ध्यान दें कि इसका मतलब क्या है। वो ये कह रही हैं कि असली बात ये है कि मजदूरों में हम ये कॉन्शियसनेस पैदा करें कि वो राजनीति में ऐसी शिरकत कर पाए कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज में वो शामिल हो उसमें वो कुछ रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। ये नहीं कि उसमें वो दबे दबे हर राजनीतिक पार्टी में रहें। तो वो चाहती हैं कि हर फैक्ट्री में एक जॉइंट कमेटी बने ट्रेड यूनियंस की, और एक स्टडी ग्रुप्स बनाना चाहती हैं जो कि ये कॉन्शियसनेस पैदा करेगी। तो ये सोच थी उनकी कि हमें वर्कर्स कॉन्शियसनेस पैदा करनी है ताकि उनकी शिरकत प्रोग्रेसिव पार्टीज में बढ़े। तो ये चीज हमें यही बात पे फिर आचार्य नरेंद्र देव आगे लिखते हैं अपने आर्टिकल में, जिसपे मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य बात समझने की यही है कि उनकी सोच कितनी दूर की थी अरुणा जी की, कि वो ये चाहती थी कि सब पार्टीज जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं वो जॉइन, उनके आपस में मतभेद कुछ भी हो लेकिन वो इस बात में इकट्ठे काम करें कि वर्कर की कॉन्शियसनेस रेज करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत बड़ा उनका था, लेकिन ये इनिशिएटिव ज्यादा दिन नहीं चल पाया, और आखिर फिर 55 में जाकर वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उस वक्त खाली एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी CPI, उसमें वो शामिल हुई, उसकी सेंट्रल कमेटी की मेंबर भी बनी और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी बनी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में भी वो ज्यादा दिन नहीं रही, 1958 तक रही और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन लेफ्ट पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी, और वो एक पब्लिशिंग हाउस इस्टेब्लिश किया जो लिंक और बाद में पेट्रियट छापते रहा। तो उनका जुड़ाव एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तक, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से अंत तक रहा। इस बीच में अप्रैल 1953 में असफ अली साहब का देहांत हो गया बर्न,
स्विट्जरलैंड में वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर बन चुके थे, बीच में उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके थे। और जैसे जैसे ये सब चीजें हो रही थी, अरुणा जी की अलग एक राजनीतिक गतिविधियां अलग चल रही थी और उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी जी रही थी। तो वो किसी बंधन में इस तरीके से नहीं रह पाए कि वो अपना राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां थी वो कमजोर थे, वो चलाती रही। बर्न वो गई थी आसफ अली साहब के पास, लेकिन जिस रोज वो गई उसके अगले दिन ही आसफ अली साहब का वहाँ स्विट्जरलैंड में देहांत हो गया। फिर 1958 में जैसे मैंने कहा, अरुणा जी का एक कम्युनिस्ट पार्टी से तो नाता टूटा लेकिन लेफ्ट पॉलिटिक्स से नहीं टूटा और वो दिल्ली की मेयर भी इलेक्ट हुई उस जमाने में और जनसंघ के कैंडिडेट को उन्होंने हराया था। 1960 की जो दशक आती है उसमें उनकी एक्टिविटी गोवा तब तक पोर्चुगल के पोर्चुगीज रूल में था। तो 1961 में एक कमिटी का गठन हुआ था जिसको कहते थे राष्ट्रीय संघर्ष समिति फॉर गोवाज लिबरेशन, उसकी अध्यक्षता भी अरुणा जी ने की थी 1961 में और तभी गोवा का लिबरेशन भी हुआ था। जवाहरलाल जी की डेथ के आसपास जो 1964 मई में हुई जवाहरलाल जी की डेथ का इंतकाल, तो तब वो अरुणा जी कांग्रेस में वापस दाखिल हो गए। फिर जो राजनीति हिंदुस्तान में चली उसके बारे में तो सब लोग ज्यादातर जानते ही हैं। और 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उससे पहले एक आंदोलन हुआ था जयप्रकाश जी का उस वक्त की सरकार के खिलाफ। उस आंदोलन को लेके जो आशंकाएं अरुणा जी ने उस वक्त सामने रखी थी वो बाद में जाके और लोग हम सबको अब समझ में आती हैं कि वो कितनी जस्टिफाइड थी। कि अब हम सब समझते हैं ज्यादातर कि ये जो जयप्रकाश नारायण वाला जो आंदोलन था इसमें आरएसएस का कितना प्रभाव था और आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि बीजेपी का एक किस्म के रीढ़ की हड्डी है, तो इसका हिंदुस्तान की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों ये आंदोलन हमारे हिंदुस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये सब चीजें इन पे इशारा अरुणा जी की राइटिंग्स उस वक्त की राइटिंग्स में आपको मिल जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें तभी समझ ली थी जो कि आज हम देखते हैं तो लगता है कि ये बड़े दूर देशी का काम था। 1975 में ही विमेन की इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन था, एक कमेटी का भी गठन हुआ था स्टेटस ऑफ विमेन, उसमें भी अरुणा जी बड़ी सक्रिय रही और भी कई संस्थाओं से जुड़ी रही जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, ऑल इंडिया पीस काउंसिल, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी वगैरह। मैंने जिक्र किया था कि एक विस्तार अरुणा जी की सोच में और उनके दायरे में आया था एफ्रो एशियन कैनवस पर, कि ये किस्म से क्विट इंडिया मूवमेंट की ही सोच थी, क्योंकि अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट के 1940 की दशक के डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के डॉक्यूमेंट देखें तो बार बार एक चीज निकल के आती है कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के नेता
और लीडर ये इशारा कर रहे हैं बार बार कि हमें खाली हिंदुस्तान को ही नहीं आजाद करना है, पर हिंदुस्तान की आजादी एक रास्ता दिखाएगी अफ्रीका की आजादी। और ये बार बार गांधी जी ने भी कहा, जवाहरलाल जी ने भी कहा, और भी हमारे लीडरों ने कहा, और क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी ये बात साफ निकल के आती है। तो ये एक आश्चर्य की बात नहीं है कि आजादी के बाद अरुणा जी का इन्वॉल्वमेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी के साथ भी रहा, जिसकी वो फाउंडर प्रेसिडेंट भी थे, और उनकी उनके साथ ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू जिनके असर में अरुणा जी सन 28 में से थी, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही, इसी कॉज से जुड़ी रही, और उनकी बायोग्राफी रामेश्वरी नेहरू की जीवनी भी एक साहब ने लिखी है, ओपी पालीवाल, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे एफ्रो एशियन पीपल्स सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के। अरुणा जी इन गतिविधियों के अलावा एक नेशनल स्केल पर, चाहे उनका कोई पब्लिक ऑफिस ना रहा हो, नेशनल स्केल पर उनकी बड़ी इज्जत थी। और जब 1991 के बाद 1991 में ही जब एक आम चुनाव हुआ था और उसमें उसके दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और उसके बावजूद ये लगा था कि अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, चाहे कांग्रेस की बहुमत ना पूरी आई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर के आई थी, तो ये लगने लगा था कि कांग्रेस की का जो लीडर होगा पार्लियामेंट में वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तब अरुणा जी नटवर सिंह, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, डिप्लोमेट थे हिंदुस्तान के, उनके साथ मिलने गई, उनको कांग्रेस की लीडरशिप ने ही रिक्वेस्ट किया था कि वो ये करें, वो मिलने गए वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से ये कहने के लिए कि आप कांग्रेस की पार्लियामेंट में लीडरशिप एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन करके प्राइम मिनिस्टरशिप का सोच लीजिए। तो उस वक्त डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस बात पे इनकार कर दिया था, ये कह के कि उनकी उम्र नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल सके। तो नटवर सिंह जी ने लिखा है कि अरुणा जी वहाँ से उस मीटिंग से वापस आए और दोनों बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी ना नटवर सिंह ने बोला ना अरुणा जी ने बोला, क्योंकि दोनों स्तब्ध थे कि एक आदमी ने इतना बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया उसको इनकार कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने इनकार ना किया होता तो, और अरुणा जी का जो सुझाव था वो मान लिया होता, तो शायद पूरा जो हिंदुस्तान का जो इतिहास बना सन 91 के बाद, आपको मालूम है कि नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने और सन 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, तो शायद अगर ये अरुणा जी का सुझाव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सन 91 में मान लेते तो हमारा, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक सेक्युलर माइंडेड आदमी थे, और मैं समझता हूँ कि हमारे देश का
इतिहास बहुत ही फर्क होता। आखिर में जाके फिर मैं यही दोहराऊंगा कि अरुणा जी की जिंदगी से हमें प्रेरणा मिलती है बराबरी के लिए संघर्ष करने की, हमें प्रेरणा मिलती है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम संघर्ष करें, हमें प्रेरणा मिलती है कि गरीबी और बीमारी इन सब चीजों के खिलाफ हम संघर्ष करें, और जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है जो एक दूसरे के मजहब को लेकर एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाने की जो एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ हम संघर्ष करें, क्योंकि यही सब चीजें, ये सब संघर्ष हमें अरुणा जी की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमें ये देखने को मिलती है कि महिलाओं का उत्थान और निडर होके रहना, कि हमें जो एक डर सा एक जो हिंदुस्तान में आ गया था लोगों में अंग्रेजी शासन के दौरान, उसको जो जवाहरलाल जी ने भी लिखा कि गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि डर को उन्होंने निकाल दिया। और अरुणा जी की जिंदगी में भी हमें यही देखने को मिलता है कि एक निडर होकर वो पूरी जिंदगी एक विद्रोही, कभी सामाजिक जो कस्टम्स थे उनके खिलाफ, उनकी शादी ही कितनी बड़ी, कितना बड़ा विद्रोह था, और उसके बाद हर स्टेप पे, हर दशक में वो अपना विद्रोह का दायरा बढ़ाती गई। और हमें ये प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए कि निडर होकर हम संघर्ष करें उन असूलों के लिए जिन असूलों के लिए वो लड़े। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक इतनी भरी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को इतने संक्षेप से, इतने आकर्षणीय तरीके से दर्शाया। मुझे यकीन है कि जो युवाएं आपके बातें सुन रहे थे, जो आपके लेक्चर को सुन रहे थे, वो और भी प्रेरित रहेंगे जाकर पढ़कर अरुण आसफ अली के ज़िंदगी के बारे में और जानकारी लें। जिस साहस, दृढ़ विश्वास, आस्था, प्रतिबद्धता को लेकर वो लड़ती रही एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, सहानुभूतिशील भारत के लिए, वही वसूलें हमें भी प्रेरित करते रहे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। शुक्रिया।